नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अगर सच्चाई देखी जाए तो इस पृथ्वी पर हर मनुष्य जब अपनी अंतिम अवस्था यानी मृत्यु के करीब होता है तो उसके दिल में बस स्वर्ग लोक में ही जाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग लोक में क्या क्या होता है, वहाँ पर जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है, वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है और स्वर्ग में जाने के बाद मनुष्य को कैसी अनुभूति महसूस होती है? तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको स्वर्ग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे तहे दिल से एक गुजारिश है, यदि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यह तो हमने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि जब पापी आत्माएं अपना शरीर त्यागती हैं तो उन्हें यम के दूत किस प्रकार लेने आते हैं, उसके बाद आत्माएं किस तरीके से नरक में पहुंचती हैं, यह सब कुछ हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। हमने बताया था कि किस तरीके से पापी आत्माओं को बेतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि पुण्य आत्माओं का स्वर्ग में किस प्रकार से प्रवेश होता है। भविष्य पुराण के अनुसार एक पुण्य आत्मा को सबसे पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। पुण्य आत्मा उत्तम मार्ग से बेहद सुख पूर्वक धर्मराज यानी कि यमराज के दर्शन करती है, जिसके बाद भविष्य पुराण के अनुसार धर्मराज उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महात्माओं, आप लोग धन्य हो, आप दूसरों का उपकार करने वाले हो, आपने दुनिया में सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य कमाया है, इसीलिए आप इस उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करिए। और जब पुण्य आत्माएं स्वर्ग पहुंचती हैं, तो उनका स्वागत तरह तरह के वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्वर्ग एक बेहद ही सुंदर स्थान है जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपस्थित हैं। आपको बता दें कि स्वर्ग आपको अपने ही अच्छे कर्मों के द्वारा मिलता है। वहाँ सबके पास अपने विमान होते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग सदा विमानों पर ही विचरण करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं होता है। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे स्वर्ग लोक में प्रवेश करने योग्य होते हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अनेकों अप्सराओं का अलग अलग लोक है, जो इच्छा अनुसार होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। आपको बता दें कि स्वर्ग लोक में 33,000 योजन लंबी दूरी में फैला हुआ एक स्वर्ण का पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु गिरी। उसके ऊपर देवताओं के नंदन वन आदि अनेकों उद्यान हैं, जहां पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। स्वर्ग में जाने वाला प्राणी भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, उदासी और दुख जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती है जिसे देखकर मन में घृणा पैदा हो। चारों ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध वायु रहती है। चारों ओर मन और कानों को प्रसन्न करने वाली वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। आपको बता दें कि स्वर्ग में ना कोई रोता है और ना ही कोई बूढ़ा होता है, ना किसी के शरीर में थकावट होती है। केवल स्वर्ग में युवा शरीर रहता है, वह शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है और उसे कभी दुख नहीं होता है, केवल खुश रहता है। और यह सब कुछ हमारे मनुष्य जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के हिसाब से ही होता है। और आपको बता दे कि यह माता पिता के रज वीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं
और उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता है, न ही उनके शरीर से कभी दुर्गंध आती है, और वहाँ उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते हैं, और वहाँ के लोग कभी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और सभी लोग वहाँ सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको भी स्वर्ग में प्रवेश करना है तो अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाओ, अपने हाथों को दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ाओ। अरे, परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है जो कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानी जाती है। अगर आपने इस योनि में भी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता और न ही आपको नर्क जाने से कोई रोक सकता है। वीडियो के अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, दूसरों की मदद करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु हर जीव की इज्जत करें, परमेश्वर आपका जरूर भला करेगा। अगर हमसे इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया गया हो तो आप हमें अपने से छोटा भाई समझकर क्षमा जरूर कर देना। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।